नमस्कार दोस्तों, आव्यू यानी कि मैट्रिसेस की वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या पढ़ेंगे। आव्यू के परिवर्त के गुणधर्म, सम्मित विषम आव्यू तथा सम्मित आव्यू। शुरू करते हैं आव्यू के परिवर्त के गुणधर्म से। यह मैंने 2×2 कोटि का एक आव्यू लिया है। अब हमें इसका परिवर्त करना है, तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। इस पहली पंक्ति को हम परस्पर विनिमय करके पहला स्तंभ बनाएंगे और इस दूसरी पंक्ति को परस्पर विनिमय करके हम दूसरा स्तंभ बनाएंगे। इसको हम ए कहेंगे, तो ये ए परिवर्त होगा। ध्यान दीजिए, एक ही पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय करने से प्राप्त होने वाला आव्यूह ए का परिवर्त कहलाता है। आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, ए परिवर्त का परिवर्त बराबर होगा ए के ए का परिवर्त बराबर होगा के ए परिवर्त के, जहां के कोई अचर है। ए प्लस बी का परिवर्त बराबर होगा ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त के, और ए बी का परिवर्त बराबर होगा बी परिवर्त ए परिवर्त के। उदाहरण, यदि ए और बी दो आव्यूह हैं, तो सत्यापित कीजिए ए बी का परिवर्त बराबर होगा बी परिवर्त ए परिवर्त के। ए बी हम निकालेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। अब हम ए बी का परिवर्त करेंगे, यानी कि हर पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे। अब हम बी का परिवर्त करेंगे और ए का परिवर्त करेंगे, फिर उन्हें गुणा करेंगे। देखिए, यह मैंने ए का परिवर्त करा, इसी प्रकार बी का परिवर्त करा। अब मुझे बी परिवर्त ए परिवर्त चाहिए, तो हम बी परिवर्त गुणा ए परिवर्त करेंगे, तो हमें मिलेगा कुछ इस प्रकार। अब हम देख सकते हैं कि ए बी परिवर्त बराबर है बी परिवर्त ए परिवर्त के। यही हमें दर्शाना था। सम्मित आव्यूह, सम्मित आव्यूह वह आव्यूह होते हैं जो अपने परिवर्त के बराबर होते हैं। जैसे ए मेरा एक आव्यूह है, अब मैं इनका परिवर्त करूंगी, यानी कि हर पंक्ति को स्तंभ बनाऊंगी। देखिए कुछ इस प्रकार, दूसरी पंक्ति को करूंगी दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति बनेगी तीसरा स्तंभ। अब मैं देख सकती हूँ कि ए बराबर है ए परिवर्त के, यानी कि यह एक सम्मित आव्यूह है। विषम सम्मित आव्यूह, ए परिवर्त बराबर होगा माइनस ए के। ध्यान दीजिए, विषम सम्मित आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। जैसे ए एक आव्यूह है, यहां मैं देख सकती हूँ कि इसके विकर्ण के सभी अवयव शून्य हैं। अब मैं इसका परिवर्त करूंगी। पहली पंक्ति बनेगी पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति बनेगी दूसरा स्तंभ, इसी प्रकार तीसरी पंक्ति बनेगी तीसरा स्तंभ। अब मैं देख सकती हूँ कि ए परिवर्त बराबर है माइनस ए के, इसीलिए यह विषम सम्मित आव्यूह है। उदाहरण, आव्यूह बी को एक सम्मित आव्यूह तथा एक विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखते हैं हल। पहले मैंने b का परिवर्त करा, यानी कि हर पंक्ति को स्तंभ बनाया।
उसके बाद पी मैंने बराबर माना एक बटा दो बी प्लस बी परिवर्त के। पहले मैंने बी प्लस बी परिवर्त निकाला, अब मैं हर संगत अवयव को प्लस करूंगी कुछ इस प्रकार। अब मैं हर अवयव को एक बटा दो से गुणा करूंगी तो मुझे मिलेगा। अब मैंने इस p का परिवर्त करा, हम देख सकते हैं कि p परिवर्त p के बराबर है, यानी कि यह एक सममित आव्यूह है। अब हम q मानेंगे एक बटा दो b माइनस बी परिवर्त को। तो पहले हम b माइनस बी परिवर्त का मान ज्ञात करेंगे कुछ इस प्रकार। इसमें मैं हर संगत अवयव को आपस में माइनस करूंगी। अब मैं b माइनस बी परिवर्त को एक बटा दो से गुणा करूंगी। इसमें मैंने प्रत्येक अवयव को एक बटा दो से गुणा करा है। अब मैंने इसका परिवर्त करा जो कि बराबर है माइनस क्यू के, इसलिए यह एक विषम सममित आव्यूह है। पी प्लस क्यू करने पे मुझे यह बी के बराबर मिला, यही हमें दर्शाना था। इस वीडियो में हमने सीखा आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म और सममित विषम आव्यूह तथा सममित आव्यूह। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं और व्युत्क्रमणीय आव्यूह। धन्यवाद।